अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब इन्फो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त वैकेंसी शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में नई वैकेंसीज आई हैं। किस पोस्ट पे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है, आज मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वैकेंसीज या इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुंच सके। जीएमसी में दोस्तों नई नौकरियां हैं। ये एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ए गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज DHQ या फिर टीचिंग हॉस्पिटल गुजरांवाला में। एडहॉक की बुनियाद पर दोस्तों ये वैकेंसी हैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज। सबसे पहली पोस्ट है दोस्तों इसमें फॉरेंसिक मेडिसिन की, नेक्स्ट पोस्ट है फार्माकोलॉजी की, उससे अगली पोस्ट है फिजियोलॉजी की और नेक्स्ट पोस्ट है बायोकेमिस्ट्री की। एज लिमिट दोस्तों 35 से 50 साल तक और तालीमी काबिलियत MBBS या फिर इसके बराबर की डिग्री। साथ दोस्तों DSc या फिर PhD या फिर MD या फिर MPhil और 3 साल का टीचिंग का तजर्बा आना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। टोटल 6 वैकेंसीज हैं। ये सब की सब दोस्तों BCA स्किल की ये वैकेंसीज हैं। प्रोफेसर की ये जॉब है, तालीमी काबिलियत लिखी हुई है दोस्तों। नेक्स्ट पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की, इसमें 19वें स्किल की ये जॉब है। एज लिमिट दोस्तों 30 से 50 साल तक है। इसमें एनाटॉमी की 1 वैकेंसी है, फार्माकोलॉजी की 1 है, बायोकेमिस्ट्री की 1 वैकेंसी है, फॉरेंसिक मेडिसिन की है, पैथोलॉजी की है, कम्युनिटी मेडिसिन की है, एनेस्थीशियोलॉजी की 2 वैकेंसी है, कार्डियोलॉजी की 1 है, रेडियोलॉजी की 1 है, जनरल मेडिसिन की 1 वैकेंसी, यूरोलॉजी की 1 है, ENT की 1 वैकेंसी है और जनरल सर्जरी की 1 वैकेंसी है। टोटल 14 वैकेंसी है। तालीमी काबिलियत दोस्तों आगे लिखी हुई है। नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की, 18वें स्किल की ये जॉब है। इसमें कम्युनिटी मेडिसिन, एनाटॉमी, ऑप्थाल्मोलॉजी की और टोटल 3 वैकेंसी है दोस्तों। एज की लिमिट इसमें 25 से 45 साल तक है और तालीमी की आपने दोस्तों आगे लिखी हुई है। मजीद दोस्तों आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंसिपल गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज से आप लोग वहां से हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर आप लोग वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ तमाम तस्दीकशुदा डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, एक्सपीरियंस लेटर, शनाख्ती कार्ड, वैलिड PMDC सर्टिफिकेट लगाकर आप लोगों ने एप्लीकेशन 26 दिसंबर तक आप लोग दफ्तरी औकात के दौरान जमा करवा सकते हैं। और दोस्तों इसमें 40 उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। इंटरव्यू के लिए जाने वाले उम्मीदवार को कोई TA DA नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में वैकेंसी रही है। यहाँ पे वेबसाइट आप लोगों के साथ मौजूद है, इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने क्लिक है टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आप लोगों ने इसका मुकम्मल प्रिंट आउट निकाल के साथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा के दफ्तरी औकात में जमा करवाना है। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। वहाँ पे इश्तिहार में लिखा हुआ है कि आप लोग गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म हासिल करेंगे तो वहीं पे जाके आप लोगों ने वहीं से एप्लीकेशन फॉर्म लेना और वहीं पे आप लोगों ने जाके जमा करवाना है। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।